वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब? आज हम लोग गेस व्हाट, आज हम किधर जा रहे हैं? एज यूजुअल हम शॉपिंग पे ही जा रहे हैं। और पूछिए किसकी शॉपिंग के लिए जा रहे हैं? सलोनी दीदी की, क्योंकि उसे मेरे बर्थडे के लिए शॉपिंग करनी है। ये रही मैडम, तैयार हो रही हैं। हाय गाइस। हेलो गाइस, सॉरी माय कैमरा इज नॉट क्लीन मैडम। हेलो गाइस, हम लोग वैसे आज न्यू भी जा रहे हैं, जो कि नया ब्रांड खुला है मुंबई में। मतलब नया ब्रांड नहीं है, मुंबई में अब खुला है, तो हम उसको एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं। एंड मुझे शॉपिंग नहीं करनी है, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जिसको शॉपिंग करनी है उसके अलावा मैं शॉपिंग करूँगी, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एंड गाइस, एंड गाइस, मुझे लगा था कि मैं मतलब कुछ अपने लिए बनवा लूँगी, बट फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं भूल गई ड्रेस बनवाना अपने लिए। सो आई थिंक कि मुझे कुछ मार्केट से लेना पड़ेगा। अगर मुझे मार्केट से कुछ पसंद आया तो मैं एक दिन में अपनी ड्रेस स्टिच करवा लूँगी। कॉन्फिडेंस गाइस, कॉन्फिडेंस, एक दिन में ड्रेस बन जाएगी। हाँ तो कुछ कुछ तो करवाना, थोड़ी ऐसे स्टिच ही तो करवाना है फैब्रिक करके। गाइज, हमेशा हमको हर जगह जल्दी जाना होता है और हम हर जगह लेट ही पहुँचते हैं, और इस बार इन्होंने लेट किया। हाँ, इस बार मुझसे लेट हुआ है। वैसे हमारा टाइम था 3 बजे निकलने का, ये ऐसा हमने सोचा था, पर अभी कितना बज रहा है? 3:30 सोने से ज़्यादा मिनट तो लेट है। लेट इज़ लेट, 10 मिनट हो, 15 मिनट हो, 1 मिनट हो, कोई नहीं, बहुत टाइम है हमारे पास, जाएंगे देखेंगे। टाइम की वैल्यू हमें मुंबई में रह के जब ट्रेन में ट्रैवल करते थे तब जाके आई है कि एक एक सेकेंड इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। मेट्रो से जा रहे हैं एज यूजुअल। गाइस, अभी पता क्या हुआ, हम लोग के बिल्डिंग के बाहर ना रोड बन रही है सीमेंट, हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया। रोड ही बन रही है, स्लो बन रहा है, स्लो बन रहा है हमारी बिल्डिंग के एंट्रेंस पे, एंड हम दोनों ने ध्यान नहीं दिया और उन्होंने उस पर इस तरीके से पैर रख दिया, हम लोग पूरे शूज गंदे हो गए। हम पहुंच चुके हैं इन्फिनिटी मॉल एंड हम लोग के एक फ्रेंड भी आए हैं हमारे साथ, जिसने हमें मेट्रो में ज्वाइन किया है, एंड उसको खुद नहीं पता था हम उसे कैमरे में लेने वाले हैं। एक्चुअली ये सुहानी की कॉलेज की फ्रेंड है, एंड जब भी सुहानी के कॉलेज के लोग मिलते हैं ये लोग सिर्फ अपनी एकेडमी के बारे में बात करते हैं और मैं बोर होती हूँ, एंड अभी भी यही हो रहा है। हाँ, क्या पता चले सोनी? वो लोग एक्सपायर्ड प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। यस, लैक्मे वाले एक्सपायर्ड प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं स्किन ट्रीटमेंट के लिए। सोनी का कॉलेज ख़त्म हो गया है ना, तो अब सोनी बोल पा रही है। अरे बता, नहीं भूल गए, सोनी का कॉलेज ख़त्म है अब, सोनी अब कॉलेज नहीं जाएगी। पर अब सोनी का रियल स्ट्रगल चालू होगा। मुझे बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है, ये दोनों आपस में ही लगे हुए हैं तब से, आपको दिख रहा होगा, टोटल इग्नोर किया जा रहा है मुझे। मैंने सेट कर लिया है। तुम सही जगह आए हैं ना, स्टोर यहीं पर है ना, क्योंकि मिल नहीं रहा है। सॉरी, मैं इधर हूँ। गाइस, इसको व्लॉगिंग की बहुत प्रॉब्लम है। अरे मैं जगह ढूंढने में बिजी हूँ, सेकंड फ्लोर पे है बट इतना मैं श्योर हूँ। चलो ऊपर जाके देखते हैं, सेकेंड फ्लोर पे ही है। नहीं नहीं, इधर ही है, 100% श्योर इधर ही है। अरे नीचे भी उसका लगा हुआ है सेकेंड फ्लोर का। हो रही हमारी मंजिल, थर्ड फ्लोर पे पूरे में घुमा रहे हैं दोनों, क्योंकि नीचे सेकेंड फ्लोर लिखा है, कैन प्रूव इट, नीचे उतरतेंगे तब देखेंगे। अच्छा दी, भूल जाते हैं लोग एक बच्चे को साथ में लेके जा रहे हो, बच्चे की बात पे भरोसा भी कर रहे हैं। Oops, oops. Guys, today Suhani is lost, totally lost. Suhani, आ गए हम हमारी मंजिल। New me. पहले हम जाएंगे पिंक सेक्शन देखने के लिए। लाइन से चलते हैं ना, पहले पिंक देखते हैं ना इधर। So guys, इन लोगों ने ना हर कलर का सेक्शन बना रखा है, ग्रीन, उधर पिंक है, पीछे ब्लैक एंड व्हाइट है, इधर ब्लू है, रेड भी है, पिंक। दे हैव अ नाइस कलेक्शन ना। अरे इससे मुझे बोला था, आ गई।
सी दिस, व्हाट इज दिस? जो लोग अच्छे से कैरी करते हैं उन पर अच्छा लगता है। तुम लोग भूल गए हो कि शॉपिंग मेरी हो रही है, मेरी होने वाली है। सब एक्सप्लोर तो करेंगे ना, किसको क्या खरीदना है। अच्छा लग रहा है भाई। व्हाट इज द साइज? इसके साइज नहीं लिखे इन लोगों ने। ट्राई लाइक दिस ड्रेस। ये ना एक लड़की ने इस पे ब्लॉग भी बनाया था इसी सेम ड्रेस पे। हाँ अच्छा लग रहा है। मुझे सिर्फ एक कॉर्डसेट पसंद आया। आई ट्राई गाइस, मैंने इतने सारे कपड़े लिए, लेट्स सी मैं कौन सा ड्रेस लूंगी। एंड इन्होंने पता नहीं क्या लिया है। और शॉपिंग हम इन्हीं के कर रहे हैं थे। शो मुझे नहीं पता वो साइज का है। कौन से लो? मुझे एक ये पसंद आया, मुझे एक ये पसंद आया। तो टॉप तो ले लो एंड कॉर्सेट देख लो। टॉप थोड़ा लूज है, मैं फिटिंग करा लूंगा, कोई इशू नहीं। मैं बर्थडे पे क्या पहनूंगी? तो नहीं पहनूंगी एग्जैक्टली। तो जिस जिस के नीचे देखते हैं, नीचे देखते हैं इनका कितना क्यूट है। डाल लो, मैं जनरली बोल रही हूं ये जो यहां से है ना, यहां से मॉट वाला है। हमारी दुखद आत्मा। टॉप लेके जा रही हूँ मैं, वो भी सेम कलर जो मेरे पास ऑलरेडी है। बट यहाँ पिंक सेक्शन में कुछ समझ नहीं आया। गाइस मैं जो शॉपिंग करने नहीं आई थी, मैंने ड्रेस ली थी। मुझे ड्रेस चाहिए कौन से ओकेजन के लिए मुझे भी नहीं पता। ठीक है, जो चीज अच्छी मिलती है ले लीजिए, बाद में रिग्रेट होता है। बाद में चिंकी नहीं, बाद में मेरे को बहुत रिग्रेट होता है कि क्यों नहीं गया इस बार, इसलिए मैंने ले लिया। मैं सोचे सब इसके लायक हो तुम। सोनी इसके लायक हो तुम। नहीं मुझे पता नहीं। क्या है ये सिपर? हाँ, दीदी का नाम है सांडा और उसका पार्टनर है पांडा। कितना क्यूट है। और ये सोनी का फेवरेट कार्टून। सोनी दिखाओ तो, अपनी फिंगर तो हटाओ। यूनिकॉर्न, सो क्यूट। शी इज़ वेरी मच ऑब्सेस्ड। सोनी मेले में नहीं आई हो? झांसी महोत्सव नहीं है ये? उसकी लाइट ऑफ करो। अच्छा सोनी तुम ले लो, तुम्हें जरूरत है। बहुत खेला मैंने इससे। सोहानी हो गया झांसी महोत्सव समझाया गया तुमने? अरे वो पूरा झांसी महोत्सव है। सोहानी क्यों आई हो होम सेंटर? ये हम आपको बाद में बताएंगे। यस इट्स अ सीक्रेट। हम लोग आपको बाद में बताएंगे। हम गलत जगह आ गए, वो है मक्स का। मक्स का क्या सेक्शन? मक्स इट इस साइड है बिकॉज सलोनी दीदी ऑब्सेस्ड है मक्स से। ये तो उन्होंने पहले देख लिया होगा मुझे ब्लॉग। प्लीज नो, प्लीज नो। तुम्हारे लिए नहीं, इसमें यूनिकॉर्न होता तो मैं बोलती, बट अच्छे नहीं है दीदी, अच्छे नहीं है। इससे अच्छे तो मुझे डीमार्ट। हाँ एग्जैक्टली। नहीं डीमार्ट में 1000 100 का मिलेगा या 400 का मिल रहा। गाइस
जैसी दुनिया वैसे हम, इसलिए चकते फटते। ओ वाओ, ओएमजी, नहीं नहीं वो, अरे हाँ ये तो ओएमजी, शिट, वाओ। क्या है सुहानी की काम की चीज मिल गई है गाइस। इट इज सो क्यूट। हमारे घर में ना प्लांट्स रखने की जगह नहीं है, जब मैं प्लांट्स रख नहीं पाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है प्लांट्स रखना। कितने सुंदर है ये। आ गई मैडम दोबारा, चुपक गई मक्स के सेक्शन में। यार मुझे ठीक लग रहा है, बट फिर भी मैं दो ले रही हूँ, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता है मक्स लेकर मैं आ जाऊँ अगर मक्स मेरे सामने है। एक कोई और पसंद है दिस वन ना, सॉरी ये छोटी नहीं है ज़्यादा। एग्जैक्टली, मत मत टेक मार्क्स ओनली। मुझे आई मास्क लेना है, सॉरी स्लीपिंग मास्क, ये बहुत अच्छा है। अच्छा जरा ले लूँ क्या, एक सेकंड। ये मेरे पास है। अच्छा इससे कुछ नहीं होता मैं बाल का। नहीं नहीं उल्टा मेकअप आ जाएगा, मतलब कह दी थी। Can I take this? Sure. It is so heavy. इसके अंदर वो है। जेल है? हाँ। टेक नॉर्मल वाला, आँखें इतनी, आँखों पे इतना भारी लगेगा। ले रहे हो? मेरे पास सेम है, डी मार्ट से लिया था मैंने। गाइस मुझे रिग्रेट हो रहा है, मैंने होम सेंटर से मक्स को ले लिया, क्योंकि मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छे मक्स मिल गए हैं। सोनी एक ले लो। मैं मम्मी नहीं हूँ तुम्हारी, तुम मेरी मम्मी हो। पर शॉपिंग के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही तुम्हारी मम्मी हूँ। हाँ मैं हर जगह जाकर फैलती हूँ। यहीं पीछे जाती हैं। चाहिए चाहिए, यहीं पीछे जाती हैं, चाहिए चाहिए। घंटे बाद फाइनली ने कुछ पसंद आया। पसंद मुझे और भी बहुत सारे हैं, पर मेरे को यूज़ के नहीं है, तो मैं गर्म पानी पीने के लिए नया मग लेती हूँ। लाइट ग्रीन नवाब पना देख रहे हैं आप गाइस। बड़ा है मेरे गर्म पानी पे, ज़्यादा पीती हूँ ना तो ये काम नहीं है। मतलब मुझे कॉफ़ी वाला भी पसंद आ रहा है, पर मैं कॉफ़ी कहाँ, कॉफ़ी वो कांच वाला वो ले लो, मैं कॉफ़ी पीती हूँ। मैं कॉफ़ी नहीं पीती हूँ। तो उसमें गर्म पानी पी लेना ना, उसका ढक्कन खोल के। अच्छा मैं बोर हो गई हूँ, दो मग में गर्म पानी पी पी के। नाउ आई वांट दिस। ये हम मिनीसू के भाई पे आए, मोमोसू। गाइस मैं तीन घंटे के लिए बहुत ज़्यादा गरीब हूँ, तीन घंटे के लिए मेरा फोन डिसेबल हो चुका है। ओह नो। सोनी ये भी ले ले। अरे यार कुछ दिखाओ, नहीं दिखाने का, चले जाओ, चलो चलो। कहाँ रहना है तुमको? दिस सो नाइस। सोनी जब तुम्हारे बच्चे होंगे ना तो मैं तुम्हें ये गिफ्ट करूंगी। गाइस मैं अपने लिए ड्रेस लेने आई थी, एंड पता चल ही चुका होगा कि ड्रेस तो मैंने ली नहीं है, उसके अलावा मैंने फालतू चीज़ें ज़्यादा खरीद ली है। तो अब मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, तो मेरा मन नहीं कर रहा है कोई भी स्टोर में जाके देखने का। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी दीदी का है टेस्ट, इम्तिहान है दीदी का कि दीदी कुछ खाती है या नहीं। हाँ। क्योंकि मैं खाने वाली हूँ ये मोमोज खाइए। एंड गाइस इस वाले ब्लॉग में ना मैं सच में कुछ नहीं खाने वाली हूँ। लेट्स सी, अगर एक बाइट भी नहीं खाना चाहिए फिर। हाँ मैं एक बाइट भी नहीं खाऊंगी, देखना। कल आएंगे अनुषा, अनुषा हम लोग नहीं खाएंगे ना। नहीं नहीं खाएंगे। दीदी का फास्ट है इसलिए। अच्छा उसका फास्ट है, मतलब खाते हाँ। अरे पर मैं नहीं खाऊंगी, देखना। सानी हल्दीराम चले क्या? हल्दीराम के राजमा चावल इतने ज्यादा पसंद है, मुझे कुछ खाना ही नहीं है बाहर का, मैं घर पे जाके घर का खाना खाऊंगी। हाँ थोड़ी देर में मिलते हैं गाइस। A few moments later. Border. चलो मैं पूरा वीडियो ऑन भूख क्या दे रही हो यार, थोड़ा तो आते तो कंट्रोल नहीं होता, सिर्फ इतना खाऊंगी बस, सिर्फ इतना, स्लोली खाऊंगी, स्लोली मेरे मुंह। तुम्हारे चार खत्म हो गए ना, धीरे धीरे खाऊंगी, फिर मैं ये एक खत्म करूंगी, जिससे कि मेरा और मन ना करे खाने का। इसका तुम
गार्लिक वाला लाती ना, बड़ी जल्दी बता दिया। गाइज अब हम लोग निकल रहे हैं घर एंड आज का ब्लॉग हम यही एंड करते हैं। सो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आर यूट्यूब चैनल एंड डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम विच इज मनु में कुट योर एंड मनु में मेक ओवर। बाय गाइज, फिर से करो मेक ओवर। बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।